हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग दिल खोल के पैसा लगा सकते हो। एवरेज और SIP करने वाला स्टॉक है भाई। अभी आपको ये स्टॉक डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा खासा आपको इस समय डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। आप अगर इस कंपनी में पहले से पैसे लगा के रखें, किसी भी प्राइस पे खरीदें, तो भैया बेचिएगा मत। ये कंपनी बेचने वाला है ही नहीं, बल्कि एवरेज करने वाला है, SIP करने वाला स्टॉक है। ट्रेंड भैया अप है। मैं 21 मार्च से आप लोग को बता रहा हूं कि लॉन्ग टर्म बॉटम बनने जा रहा है। आप देख लीजिए इस समय निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है। कई सारी कंपनी में 25-30% का तेजी भी हो चुका है। मार्केट में 1.5-2 सालों तक तेजी रहेगा। यहाँ की जो ब्रांडेड कंपनी है भाई, टॉकी कंपनी है, इन्फोसिस, TCS, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, डीमार्ट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सभी स्टॉक आने वाले 1-1.5-2 साल में डबल हो जाएंगे। तो आप लोग पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं 21 मार्च से ही आप लोग को बता रहा हूँ, बाकी लोग तो अब आपको बता रहे होंगे। तो ट्रेंड अप है। US की जो ब्रांडेड कंपनी है, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, ये सभी स्टॉक फिर से लाइफ टाइम हाई लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ी तेजी होने वाली है दुनिया भर में। तो आप लोग पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा। बीच में इलेक्शन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ही आएंगे। अगर मोदी जी नहीं भी आते हैं भाई, तो ज्यादा करेक्शन नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। लेकिन अगर मोदी जी नहीं आए तो ऐसा तो नहीं है भाई कि आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस कराना बंद कर दोगे, आप कुरकुरे चिप्स खरीदना बंद कर दोगे। ऐसा तो भाई कुछ भी नहीं है ना। तो बिजनेस वो चलता ही रहेगा। तो सरकार किसी के भी आए, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपका पैसा बनेगा। कंपनी अगर पैसे कमा रही है तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो भैया ये जो कंपनी है उसका नाम है LTI माइंट्री। ये L&T ग्रुप की कंपनी है भाई, एक बहुत बड़ी ग्रुप की कंपनी है जिसमें आप लोग एवरेज कीजिए, SIP कीजिए, जो करना चाहते हैं भाई आप वो कर सकते हैं। हर गिरावट में इस कंपनी को आप लोग खरीदिए। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं तो अपना कैपिटल सेफ रखना चाहते हैं तो, पर मुझे पता है कि आप लोग LTI माइंट्री जैसी कंपनी में बिल्कुल ही पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। बजाज फाइनेंस, बालकिस इंडस्ट्री, पिडिलाइट जैसी कंपनी में आप लोग पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहते। पता नहीं आप लोग को क्या दिक्कत है। तो देखो भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग जाके चेक कीजिए कि पिडिलाइट का प्राइस क्या था 5 साल पहले, L&T माइंट्री का प्राइस क्या था, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट का प्राइस क्या था 5 साल पहले और अभी क्या है। 5 साल पहले भी लोग बोलते थे कि LTI माइंट्री नहीं चलता है, बजाज बहुत बड़ी कंपनी है, पिडिलाइट बहुत बड़ी कंपनी है, महंगा स्टॉक है, एशियन पेंट तो खैर चलता ही नहीं है। लेकिन जब चला तो 500 से 4000 तक चला गया था। तो भैया देखिए, आप पैसे बनाएंगे, आप अगर रातों रात झुंझुनवाला बनने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप पैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये सब कंपनी तो ऊपर ही जाएगा कोई कुछ भी बोले। बजाज फाइनेंस, पिडिलाइट, एशियन पेंट तो ऊपर ही जाएगा कोई कुछ भी बोले, और आपका कैपिटल भी सेफ है इन कंपनियों में। LTI माइंट्री पे मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका, आप लोग को मैं पुराने वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 19 मार्च 2019 को बनाया था। उस समय आप लोग को पता होनी चाहिए कि IT कंपनी पैसा नहीं बनाता, ऑटो सेक्टर कंपनी पैसा नहीं बन रहा था, बालकिस इंडस्ट्री, मिंडा इसी कंपनी में बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा था भाई, टाटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में बिल्कुल ही पैसा नहीं बन रहा था। पर अभी आप देख लीजिए इन कंपनी का क्या प्राइस है। अभी तो ऑटो कंपनी में तेजी है, आप लोग को पता है ही किस प्राइस से वीडियो बनाया था भाई। आप लोग का वीडियो प्ले करके भी दिखाना चाहूंगा। तो ये वीडियो मैं 1631 रुपए के प्राइस से बनाया था। तो भैया देखो, जब मैं L&T इन्फोटेक के वीडियो बना रहा था तो कई लोग मुझे बोला करते थे, क्योंकि उस समय ये सब स्टॉक नहीं चल रहे थे, टाटा एलएसी जैसी कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बालकिस इंडस्ट्री, मिंडा जैसी कंपनी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन ये सब कंपनी 2018 में, 2019 में, 2017 में बहुत अच्छी कंपनी थी, खराब तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं थी भाई। तो जब कोई स्टॉक नहीं चलता है भाई, तो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी ना पैसा लगाना चाहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को तो तुरंत रिटर्न चाहिए। वो अगर 2 साल स्टॉक नहीं चलता है तो FD से रिटर्न कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, और जब चलेगा तो फिर पीछे पीछे कूद कूद के पैसे लगाएंगे। जब टाटा एलएससी 8000 का हुआ तो कूद कूद के लोग पैसे लगा रहे ना भाई। अब टाटा एलएससी अच्छी कंपनी हो गई,
एलेंटीन फोर्टेक जब भागा तो 6-7 हजार का हो गया, तो लोग कूद कूद के पैसे लगाए ना, मिंडा में लोग कूद कूद के पैसे लगा रहे होंगे, लेकिन जब नहीं चल रहा था तो भाई बिल्कुल ही पैसे किसी को भी नहीं लगाना था। और ये सब आगे भी होगा, अभी सीडीएस चलेगा ना तो लोग कूद कूद के पैसे लगाना स्टार्ट कर देंगे, अभी तो भाई सीडीएस किसी को भी नहीं खरीदना है। तो आप लोग एलटीएम एंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, पैसे आप दबा के लगाएं, बहुत अच्छी कंपनी भाई, कैपिटल सेफ है, इन कंपनियों में आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। एलेंटीन फोर्टेक का आईपीओ जो आया था भाई वो 2016 में आया था, लिस्टिंग 21 जुलाई 2016 को हुआ था। वरुण बेवरेज का भी आईपीओ 2016-17 में आया था। आज देख लीजिए वरुण बेवरेज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एलेंटीन फोर्टेक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ को जो प्राइस था भाई वो 710 रुपया। तो आप खुद देखिए ना कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो 5-6 साल 10 साल 15 साल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसे बनाते या नहीं बनाते। पर आप लोग को तो तुरंत रिटर्न चाहिए, जो लोग भी 2016-17 में पैसे लगाए भाई एलएनटी इन्फोटेक में, क्या उनका पैसा तुरंत बन गया था? जो लोग भी वरुण बेवरेज में पैसे लगाए भाई 2016-17 में, क्या उनका पैसा तुरंत बन गया था? जो लोग भी टाटा लेक्सी मिंडा इंडस्ट्री बालकृष्ण ने पैसे लगाए थे भाई, क्या उनका पैसा तुरंत बन गया था? पैसा तो भाई अभी ना बन रहा है, कोविड के पहले तो पैसा नहीं बन रहा था ना। तो जो लोग भी ये सोचे कि वरुण बेवरेज तो चलता नहीं है, टाटा लेक्सी तो चलता नहीं है, बालकृष्ण तो चलता ही नहीं है, मिंडा तो चलता ही नहीं है, एलएनटी इन्फोटेक तो चलता ही नहीं, आईटी सेक्टर कंपनी पैसा तो बनता ही नहीं है, वो तो भाई लॉस बुक करके निकल गए। जो एफडी से रिटर्न कंपेयर करते हैं वो तो परेशान होकर कब का निकल गए भाई। हमने कभी बोला है कि आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए? और क्या शॉर्ट टर्म में पैसे बनते हैं? नहीं बनते भाई। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कांटेक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो। अभी सीडीएस नहीं चल रहा है, आप लोग एफडी से रिटर्न कंपेयर कर रहे हो, एलएनटी इन्फोटेक नहीं चल रहा है, आप एफडी से कंपेयर करते हो कि एक साल में मुझे क्या मिला एलएनटी इन्फोटेक में, बजाज में क्या मिला। तो भाई मैंने कभी बोला है कि आप 6 महीना 1 साल 1.5 साल में बड़े पैसे बना लीजिएगा, और क्या मार्केट चले हैं, क्या एप्पल अमेजोन टेस्ला जैसी कंपनी चला है? अभी भी वहीं पे घूम रहा है भाई। लेकिन आप लोग को पता है जब चलेंगे तो कोई खरीद नहीं पाएगा। अभी आप लोगों ने ट्रेलर देख ही लिया, 21 मार्च के बाद से मार्केट चल ही रहा है, ये तो ट्रेलर था भाई। अभी आप फिल्म देखिएगा आने वाले 1.5-2 सालों तक, और आने वाले 1.5-2 सालों में मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा, कई सारी कंपनी फिर से डबल हो जाएंगे, फिर आप लोग आएंगे भाई मुझे पैसे लगाने, मुझे पैसे लगाने, मुझे पैसे लगाने, मुझे डीमैट अकाउंट ओपन कराने। क्योंकि जब तेजी हो जाता तभी तो लोग पैसे लगाने आते हैं ना। 1600-1700-1200-1300 रुपए तो कई बार वीडियो बनाए एलएनटी इन्फोटेक पे, क्या पैसे लगाने के तैयार थे? नहीं। अभी 1000 रुपए में सीडीएसएल घूम रहा है, कैम्स घूम रहा है, 2000 रुपए के बैच में कोई क्या कोई पैसा लगाना चाहता है? कोई पैसा नहीं लगाना चाहता भाई। हिंदुस्तान फूड में कोई पैसा लगाना चाहता है? कोई पैसा नहीं लगाना चाहता भाई। यही हिंदुस्तान फूड जब 5-10 हजार का हो जाएगा, सीडीएसएल 5-10 हजार का हो जाएगा, सबको पैसा लगाना है, सब लाइन लगा के फिर खरीदेंगे और फिर ये सोचेंगे कि स्टॉक हमेशा चलता रहे। भाई ऐसा कभी नहीं होता है, स्टॉक में करेक्शन कंसोलिडेशन होता है। आपको अगर समझ में आता है तो आप पैसे लगाइए, वरना आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अगर एफडी से रिटर्न कंपेयर करते हैं तो फिर आपके लिए मार्केट नहीं है। जब आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 सालों के लिए करते हैं, और स्टॉक मार्केट में 1.5-2 साल में परेशान हो जाते हैं। 1.5-2 साल अगर कोई स्टॉक नहीं हिला, आप एफडी से रिटर्न कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मत पैसे लगाइए ना, शेयर मार्केट में के पैसे बनते हैं। जब एलएनटी इन्फोटेक चलेगा तो चलता रहेगा, जब सीडीएसएल चलेगा तो चलता रहेगा। आप अगर खरीद के बैठे हैं तो पैसे बनाएंगे, वरना आप जब चल जाएगा तो ही जाके पैसे लगाएंगे। अभी बजाज एक साल से वहीं पे घूम रहा है, जब 12-13 हजार 15 हजार 18 हजार हो जाएगा तो जाके पैसे लगाएंगे। बजाज फिनसर्व जब 2500 का हो जाएगा तो जाके आप पैसे लगाएंगे। फिर आपको रिटर्न प्रोफाइल में अच्छा दिखेगा कि रिटर्न बना के दिया है पिछले 1 सालों में, और भी रिटर्न बना के देगा। तो भैया बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व हमेशा तो नहीं चलेगा। जब एशियन पेंट चला तो 500 रुपया से सीधे 4000 किसको मौका मिला? जब 4000 हुआ तो सबको एशियन पेंट ही खरीदनी है। यही तो होता है इस मार्केट में, किसी के पास पेशेंस नहीं है, कोई 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, सबको बस शॉर्ट टर्म ही रिटर्न चाहिए, जो कि बनने वाला नहीं है, और बन भी गया तो फिर नीचे ही आ जाएगा। और अगर आप 10-15 साल का इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आपके प्राइस से बहुत ऊपर ट्रेड करेगा। और भैया मैं 21 मार्च को ही आप लोग को बता दिया था कि लॉन्ग टर्म बॉटम बनने जा रहा है। उस दिन तो भैया पैनिक सेलिंग चल रहा था, आप लोग मार्केट छोड़ के भागना चाहते थे, किसी को भी पैसा लगाना नहीं था। लेकिन आप लोग देखिए कि मार्केट में जब तेजी हुई तो कई सारी कंपनी में 15-25% 30% का तेजी हो गया। अभी तो भाई शुरुआत है, ये तो आप ट्रेलर देखे हैं,
अभी आपको पूरा फिल्म दिखाएगा डेढ़ दो सालों तक, तो मार्केट में डेढ़ दो सालों तक तेजी रहेगा। अगर आपको समझ में आता तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो पुराने होंगे भाई वो तो इन्वेस्टमेंट करके ही रखे होंगे, लेकिन जो नए होंगे वो तो डेढ़ दो साल बाद ही खरीदेंगे। बजाज में जैसी कंपनी को 13,000-15,000 में खरीदेंगे, 10,000 में खरीदेंगे। फिनसर जैसी कंपनी को 2,200-2,500 में खरीदेंगे और फिर बोलेंगे कि फिनसर चल क्यों नहीं रहा है, फिनसर चल क्यों नहीं रहा है। तो भी लोग मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, उनको इंट्राडे टिप्स फ्री में दिया जाएगा। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल नहीं पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आपका पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। धन्यवाद।